10 मिनट एक स्थान फिक्स करो जहाँ टीवी चलता हुआ नहीं बैठना। थोड़ा या तो पूजा का कमरा हो या बालकनी, किचन में बैठ के कर सकते हैं, आपकी किचन में भी अच्छी एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, घर में एक स्थान पे बैठ जाओ, या ऑफिस है, दुकान है, पहले होता था ना, दुकान खोलते थे और पूजा करते फिर काम करते, तो 5 मिनट ऐसे मेडिटेशन कर लीजिए। कैसे करना देखिए, आप बैठे हैं, आत्मा कहाँ चमक रही बताइए, या सिर के ऊपर कौन, शिव बाबा। अब देखो, सोचिए शिव बाबा की शांति की वो लाइट, भगवान के शांति का वो प्रकाश आत्मा में समा रहा है। पहले किसमें भरेंगे, आत्मा में। अब दृश्य बनाओ शिव बाबा, और इसे सोचना है, हाँ, शिव बाबा की शांति, भगवान की शांति के हरे रंग की लाइट घर के एक एक कमरे में पहुंच रही है, दुकान पे पहुंच रही है, हॉस्पिटल में अगर आप है, डॉक्टर है, या आपका कुछ क्लिनिक है, या कुछ भी है, बस उस स्थान के एक एक कमरे में पहुंच रही। कुछ दिनों में आप देखोगे जिस स्थान पे आपने ये मेडिटेशन किया है वहाँ एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर, घर में शांति, कोई गुस्सा भी करना चाहेगा तो उसको लगेगा शांति। कैसे करूँ यार, ठीक है, किसी समय फैलाओ, एक दिन में एक एनर्जी फैलाओ, नहीं तो कंफ्यूज होते, दीदी शांति लो, शक्ति लो, प्यार लो, एक दिन एक थीम ले लो, आज शिव बाबा की शांति फैलानी है, दूसरे दिन दूसरा गुण ले लो, सोचो आत्मा यहाँ चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा, बाबा सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों का सुनहरा लाल फव्वारा, भगवान की, ईश्वर की शक्तियां मुझ में समा रही है। अब दृश्य बनाओ शिव बाबा, आप सोचो गॉड्स पावर सुनहरे लाल रंग की पूरे घर में फैला दीजिए, एक एक कमरे में, दुकान पे फैला दीजिए, इंडस्ट्री में, और फिर संकल्प करो, संकल्प बहुत पावरफुल होना चाहिए, बाबा की शक्तियों से घर के तनाव, घर की समस्याएं, घर के दुख सब समाप्त हो रहे हैं। देखिएगा कुछ दिनों में आपका घर तनाव, समस्या, विघन, इससे क्या हो जाएगा, मुक्त। कई जगह होता है, बोले दीदी घर में एक के बाद दूसरा तनाव, दूसरे के बाद तीसरी समस्या आती रहती, तो कई लोग डरते हैं, दीदी घर में ना बैड एनर्जी आ गई, किसी ने कुछ कर दिया हमारे यहाँ, और फिर रह नहीं पाते, डर लगता है। शिव बाबा से बड़ी शक्ति दुनिया में कोई नहीं, अपने घर में ऐसे करिए, शिव बाबा की शक्ति फैलाओ, ये वास्तु हो गया आपके घर का, क्या हो गया, ठीक है। अब कहीं माना डिप्रेशन का माहौल रहता है किसी के घर में, है ना, बोले दीदी क्या करें, ऐसा लगता है सब भुजे हुए, तो क्या फैलाओ, शिव बाबा का आनंद मुझ में आ रहा है, बैगनी रंग की लाइट, और फील, एक संकल्प करो, भगवान के आनंद का प्रकाश, बैगनी रंग की लाइट घर में फैल रही। अब कभी सुख फैलाओ, कभी शांति फैलाओ, कभी शक्ति फैलाओ, जिस घर में रोज, या दुकान, या बिजनेस में, हॉस्पिटल्स में शिव बाबा की खुशियां अगर घर में फैला दी, प्यार फैला दिया, जिस घर में खुशी है, प्यार है, शांति है, वहां बीमारियां नहीं आती, और जहां तनाव है, समस्याएं हैं, नफरतें हैं, वहां बीमारियां आती है, और जिस घर में रोज खुशी फैलाएंगे, बाबा की शक्तियां फैलाएंगे, तो बीमारियां भी नहीं आएंगी, और जहां खुशी होती है वहां धन लक्ष्मी भी छमाछम बरसेगी, देखना तो सही आप,
हाँ बजा तो बजा दो, ताली क्यों करनी थी कभी, ठीक है, करके देखना आप ऐसे। कहते हैं ना भारत में तो कहते हैं कि जहां क्रोध है वहां पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। अच्छा कई क्या सोचते हैं कि दीदी मेरे अकेले फैलाने से क्या होगा, मैं ही आ रहा हूँ या आ रही हूँ शिविर में, घर में जो 9 लोग हैं ना वो तो सब गुस्सा करते हैं, कोई गुस्सा कर रहा है कोई क्या कर रहा है, मेरे अकेले से क्या होगा। अब सुनिए, अगर एक व्यक्ति घर के बाहर है मानो और बहुत गुस्से में आया है, ठीक है, या बहुत तनाव लेके आया है, तो कितना मिनट लगेगा उसको घर में पूरे घर के सदस्यों को गुस्सा दिलाने में, कितना मिनट लगता है? एक प्रॉब्लम में आया है घर के बाहर से, कितने मिनट में प्रॉब्लम फैला देगा वो, मिनट, एक मिनट में। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक मिनट में वो कमजोर व्यक्ति गुस्सा फैला सकता है, तो एक मिनट में मैं पावरफुल आत्मा शिव बाबा से जुड़कर शांति नहीं फैला सकती? तो ऐसा नहीं सोचना हम ही तो आ रहे हैं यहां, मैं पावरफुल या वो कमजोर, हम पावरफुल है, हम जुड़े सर्वोच्च से। एक मिनट में आप सोचो बस, आनंद का प्रकाश आ रहा है और पूरे घर में आनंद आनंद आनंद। तो वो जो डिप्रेशन वाला भी रह रहा होगा ना उसको भी लगेगा आनंद आ रहा है, करके देखना। और उसको भी इंजेक्शन बताओ, यहाँ नहीं आते सारे, उनको भी बताइए कि ऐसे करो, ठीक है। तो रोज फैलाइए, सुना, अब जो जो करेंगे फिर इसके आगे में और बढ़ रहे, जो हेल्थ के लिए करेंगे, घर के लिए करेंगे, दुकान में करेंगे, वो हाथ उठाओ। हाँ सब उठा रहे हैं दीदी, देख लो आप सारा वलसा, फिर भूलना नहीं। ये बचाती है धूप से, बरसात से। आज हम सब अपने ऊपर शिव बाबा की शक्तियों की छतरी लगा लेंगे, तो बाबा की शक्तियों की छतरी हमें बचाएगी किससे, हाँ बजा बजा देता है, धूप बरसात से नहीं, कितने भी तनाव का एटमॉस्फेयर होगा, दुख का वायुमंडल होगा, बीमारियों का वायुमंडल, डर, एंजाइटी, अगर आप बाबा की छतरी के अंदर जीवन जीने की आदत डाल लेंगे तो वो तनाव, वो दुख, वो डर, वो डिप्रेशन आपकी छतरी के अंदर आपको इफेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि बाबा की छतरी में पावर है, दुख को भी सुख में बदल देंगे। जैसे पावरफुल किला होता है ना राजा का, तो कोई दुश्मन अटैक कर सकता है? तो लोग कहते हैं ना, मैंने सुनाया था एक आध दिन कि कुछ समय पहले लोगों ने कह दिया भैया कोरोना के साथ ही जीना है, पर नहीं, समय बदलता है, आज ये हुआ कल ये होता है। कुछ भी हो, कलयुग का वायुमंडल है, तो हमें आज से आदत डालनी है शिव बाबा की शक्तियों की छत्र छाया में जीने की। तो सिंबॉलिक रूप से अभी थोड़ी देर बाद हमारी बड़ी दीदियां कुछ आएंगे स्टेज पर आप सोचना, सबको तो नहीं दे सकते ना छतरी, ये सिंबॉलिक रूप में लगाई, पर ये कपड़े की नहीं है, किसकी है, के बाबा की शक्तियां। देखो कैसे लेना, कैसे छतरी बनाना मैं बता रही हूं। आत्मा या चमक रही, सिर के ऊपर कौन, शिव बाबा, वो सफेद बिंदी। अब उनकी शक्तियों का कलर कौन सा बताया, देखो किसको याद है, गॉड्स पावर, सुनहरा लाल, तेजस्वी लाइट, किरणें पहले मुझ में समा रही है, और वो शिव बाबा की शक्ति जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, बाबा की शक्ति का सुनहरा लाल प्रकाश की वो छतरी, वो किरणें एक छत्र छाया के रूप में ऊपर से नीचे तक बहुत बड़ी छतरी बना लो, घेर लिया, बनाओ सब ऐसे, बनाओ अपने आसपास सब बनाओ, वेरी गुड, बहुत बड़ी बनाई, शाबाश। अब बोलिए मैं सर्वशक्तिवान, बोलिए बाबा की
शक्तियों की सुनहरी लाल छत्र छाया के नीचे हूँ। इस छत्र छाया के अंदर मैं तनाव मुक्त हूँ, निर्भय हूँ, खुश हूँ, शांत हूँ। ठीक है, मिल गई सबको? देखो हमारी बहन जी ने बहुत सारी बनाई, जिसको जो लेना है वलसाड़ में छतरी ले लो, बहुत सारी छतरियां हैं, अपनी अपनी ले लेना, वीडियो में देखिए जिसको जो चॉइस है, बहुत सारी छतरी। और आप चाहो तो अपने घर में छतरी हो ना तो एक जगह लगा लेना, रोज उसके नीचे बैठ के मेडिटेशन करना। ये देखिए थोड़ा ब्रॉड वाली बताएंगे, एक और है, उसके नीचे बैठ के रोज मेडिटेशन करना तो याद रहेगा कि आप बाबा की। ठीक है, गार्डन हो आपके तो गार्डन। Thank you.